नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं अभय और आज हम लोग बात करेंगे NBFC के बारे में। जी हाँ, NBFC का फुल फॉर्म है नॉन बैंकिंग फिनांस कंपनी। और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप नॉन बैंकिंग फिनांस कंपनी में जॉब कर सकते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि कैसे आप प्राइवेट बैंक में जॉब्स पा सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप नॉन बैंकिंग फिनांस कंपनी में जॉब पा सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट बैंक में जॉब पाना थोड़ा कठिन होता है नॉन बैंकिंग फिनांस कंपनी के मुकाबले। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप नॉन बैंकिंग फिनांस कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप नॉन बैंकिंग फिनांस कंपनी में जॉब पा सकते हैं आसानी से। सब कुछ विस्तार से आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक आप ज़रूर कर दें। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप नॉन बैंकिंग फिनांस कंपनी में जॉब कर सकते हैं। नॉन बैंकिंग फिनांस कंपनी में जॉब पाने का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल प्राइवेट बैंक की तरह है। उसमें भी आपको इंटरव्यू क्रैक करना होता है, उसके बाद आप एलिजिबल होने चाहिए, आपका एज क्राइटेरिया होता है और भी उसमें कुछ कुछ छोटे छोटे क्राइटेरिया हैं। इनको अगर आप फुलफिल करेंगे तो आप आसानी से NBFC में जॉब प्राप्त कर सकते हैं। उससे भी एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसे बोलते हैं माइक्रो फिनांस। जी हाँ, उसमें और भी छोटे अमाउंट का लोन जो है वो दिया जाता है, इसलिए उसे माइक्रो फिनांस बोलते हैं। उसमें और आसानी से आप जॉब प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद NBFC आता है, उसके बाद प्राइवेट बैंक्स होते हैं। तो नॉन बैंकिंग फिनांस कंपनी में अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका होता है कि आप अगर माइक्रो फिनांस में एक साल या एक साल से अभव आपने काम किया है तो आसानी से आप नॉन बैंकिंग फिनांस कंपनी में जा सकते हैं। वो आपको रख लेंगे आसानी से आपका एक्सपीरियंस देख के। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी आप जाना चाहते हैं, उसके बाद भी वो कंसिडर करते हैं, लेकिन आपके अंदर स्किल्स होने चाहिए, सेल्स के स्किल्स होने चाहिए। वो जब आपसे इंटरव्यू लेंगे तो आपको चेक करेंगे, जज करेंगे कि आप सेल्स के लिए बने हैं कि नहीं बने हैं, आप मार्केट में घूम सकते हैं कि नहीं घूम सकते, उनके प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं कि नहीं। तो क्योंकि सेल्स के वैकेंसीज जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो वो आपको ऑपरेशंस में नहीं देंगे, क्योंकि उसके लिए भी एक्सपीरियंस की आवश्यकता होती है। सेल्स में वैकेंसी ज़्यादा होती है तो वो रिस्क ले सकते हैं सेल्स में। तो आप सेल्स के लिए ट्राई करें, NBFC में आप जाएं। तो बहुत सारे नॉन बैंकिंग फिनांस कंपनीज़ अवेलेबल हैं भारतवर्ष में, जिनमें आप इंटरव्यूज़ दे सकते हैं, जैसे आई फिनांस या उत्कर्ष, उज्जीवन और भी उस उन्हीं के जैसे और भी है, जैसे AU स्मॉल फिनांस कंपनी, सूर्योदय, तो बहुत सारे आपको श्रीराम फिनांस, ऐसे आप अगर नेट पे सर्च करेंगे तो आपको सैकड़ों नेम आपको मिलेंगे NBFC के, जहां पे आप ट्राई कर सकते हैं। और हमेशा सेल्स की जो वैकेंसी होती हैं वो हमेशा अवेलेबल होती है। मैं ये नहीं कहता हूं कि हर ब्रांच में हमेशा अवेलेबल होती है, लेकिन आपको अगर आप सर्च करेंगे और अगर लोकेशन आपके लिए मैटर नहीं करता है तो आसानी से आपको NBFC में कहीं ना कहीं जॉब मिल जाती है। तो आप सबसे पहले आप naukri.com में अपना रिज्यूम को अपलोड करें और वहां पे आप सर्च कर सकते हैं NBFC। तो एक साइट मैं आपको बताता हूं जिसका नाम है private naukri.com, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहां से भी जाके आप NBFC के जॉब्स को सर्च कर सकते हैं। तो NBFC में बेसिकली जो काम होता है वो सेल्स का होता है। आपको लोन सेल करना होता है, लोन देना होता है लोगों को, जैसे पर्सनल लोन, गोल्ड लोन या बिजनेस लोन, जैसे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जिसे लैप कहते हैं, या आप मॉर्गेज लोन। तो बहुत तरह के लोन होते हैं जो आपको मार्केट में जाना होता है, उसके बाद लोगों से मिलना होता है, उनको कन्विंस करना होता है लोन के लिए, और आपको सेल करना होता है। और NBFC की जो इंटरव्यूज़ है वो हर समय चलती रहती है। अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे या फेसबुक में बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं जहां पे NBFC के जो वैकेंसीज़ होते हैं वहां पे पोस्ट किए जाते हैं, तो आप बहुत सारे आपको ऐसे ग्रुप्स मिल जाएंगे। आप फेसबुक में सर्च करें NBFC जॉब्स तो आप देखेंगे ढेरों आपको ग्रुप्स मिलेंगे। उस ग्रुप्स को आप ज्वाइन करें और एवरी डे उसमें पोस्ट होते हैं NBFC रिलेटेड जो जॉब्स होते हैं, आप उनमें नंबर भी रहता है, आप कांटेक्ट करें, इंटरव्यू के लिए जाएं। अगर आपकी जो एज है वो बिलो 30 है तो आसानी से आप किसी भी NBFC में घुस सकते हैं। अबव 30 भी है तो भी वहाँ पे कंसीडर करते हैं बहुत सारी कंपनीज जो हैं।
तो आप आसानी से ट्राई करें एनबीएफसी में और उसके बाद देखें आप अपना करियर बना सकते हैं। और उसके बाद जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है तो उसके बाद आप बैंक में भी स्विच कर सकते हैं। और अगर आप एनबीएफसी के लिए भी एलिजिबल नहीं हैं, कुछ क्राइटेरिया को आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास ऑप्शन है माइक्रो फिनांस, तो आप माइक्रो फिनांस में भी जाके आप इंटरव्यू दे सकते हैं। वहाँ पे कोई भी क्राइटेरिया बहुत स्ट्रॉन्ग क्राइटेरिया नहीं होता है, आसानी से वो सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि छोटे अमाउंट का लोन उसमें देना होता है, बड़े लोन्स नहीं करने होते हैं, तो आसानी से। और ख़ासकर माइक्रो फिनांस में ग्रुप लोन होते हैं जो महिलाओं को दिए जाते हैं, तो आसानी से जो टारगेट भी अचीव हो जाता है। अगर आप एनबीएफसी के लिए एलिजिबल नहीं है तो माइक्रो फिनांस के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। सारे वैकेंसीज आपको ऑनलाइन फेसबुक ग्रुप्स में या आप privatenaukri.com पे सर्च कर सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑनलाइन साइट है जहाँ पे आपको वैकेंसीज दिखेंगे। तो आप ट्राई करें एनबीएफसी या माइक्रो फिनांस के लिए और अपने करियर को सिक्योर करें। अभी तक के लिए इतना ही। इस तरह के टेक अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।